हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स। जो आपने कॉपर वेसल्स जो है, कॉपर की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है आपने देखा होगा कि ये जो है वो बिल्कुल उनकी जो चमक होती है वो गायब हो जाती है एक टाइम के बाद। बींग क्लीन्ड विद लेमन और टेमेरिंड जूस। अब इनको क्लीन करने के लिए जो कॉपर की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर से जो चमक थी वो चली गई है, उनको क्लीन करने के लिए आपने या तो लेमन या फिर टेमेरिंड जूस जो होता है, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनका जूस होता है, जैसे इमली हो गई उसका जूस वगैरह हो गया, तो इन खट्टी चीज़ों का जो है वो यूज़ क्यों किया जाता है ये आपने देखा होगा। एक्सप्लेन व्हाई दीज सॉर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। हमारे को एक्सप्लेन करना है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो जो इस तरीके की जो कॉपर वेसल्स वगैरह जो होती हैं, कॉपर के जो बर्तन वगैरह होते हैं, उनकी चमक को वापस लाने के लिए या फिर उनको क्लीन करने के लिए हम इन खट्टी चीज़ों का ही यूज़ क्यों करते हैं, इस चीज़ का हमारे को आंसर देना है। क्वेश्चन समझ गए, हमारे को ये बोल रहा है कि यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स। जो आपने ऐसी कॉपर मेटल्स जो वेसल्स वगैरह होती हैं वो आपने देखी होगी कि उनकी चमक जो है वो जा चुकी है, उनके ऊपर एक लेयर वगैरह एक अजीब से जो है वो दिखने लग गए हैं। जब उनको लेके आए थे नए नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चमक रही थी, शाइनिंग थी, लेकिन अब वो जो शाइनिंग है वो गायब हो चुकी है। बींग क्लीन विद लेमन, और अब आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनको जो है या तो नींबू से साफ़ किया जाता है, लेमन से साफ़ किया जाता है, या फिर जो टेमेरिंड जूस जो होता है या इमली का जो जूस होता है उससे जो है वो उनको साफ किया जाता है। तो अब हमारे को एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दीज सोर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। हमारे को ये एक्सप्लेन करना है कि इस तरीके की जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो सोर सब्सटेंसेस जो होते हैं, खट्टे जो सब्सटेंस जो होते हैं वो ही इनको क्लीन करने के लिए काम में क्यों लेते हैं, ये हमारे को एक्सप्लेन करना। आंसर सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको आंसर जो है वो किस तरीके से लिखना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है इन एयर रिएक्ट्स विद कॉपर आर्टिकल्स एंड टर्निशेस इट। जो कॉपर है, कॉपर जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, हमारे जो एयर होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और उसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन हो जाता है यानी कि उनके ऊपर, जैसे मान लो कि भाई ये कोई बर्तन है, ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है मान लो। अब इसकी जो ये बाहर वाली लेयर जो है वो किससे रिएक्शन कर रही है, एयर से जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है। अब एयर के अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। वाटर कैसे होगा सर, इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो भी तो वाटर की तरह वर्क करता है, उसका फॉर्मूला भी तो H2O ही होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला भी H2O ही होता है और जो मॉइस्चर होता है उसका फॉर्मूला भी H2O ही होता है, यानी कि ये H2O से रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर ये कॉपर जो है वो इनसे रिएक्शन करके और इसके ऊपर जो है वो एक लेयर बना देता है ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर की एक लेयर बना देता है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो शाइनिंग थी वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह जो है वो जो हमारा वेसल है वो एक ग्रीन तरीके का दिखने लग जाता है। और जब इनको लेमन वगैरह से या फिर जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे इमली वगैरह का जूस जूस हो गया उससे जो है उनको साफ किया जाता है। तो हमने क्या बोला अभी तक, हमने ये बोला कि CO2 इन एयर रिएक्ट्स विद कॉपर आर्टिकल्स एंड टर्निशेज इट। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है ये कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा
और हमारा जो वेसल है, हमारी जो चीज है, उसको जो है वो टर्निश कर देगा, उसकी जो शाइनिंग है उसको खत्म कर देगा। कॉपर स्लोली लॉसेस इट शाइन। अब जो कॉपर है वो धीरे 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 जो है अपनी शाइनिंग जो है उसको लॉस कर देता है, उसको खो देता है। एंड फॉर्म ए ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। और इसकी जो सरफेस है उसकी चारों तरफ जो है एक ग्रीन कोटिंग जो है वो हमारे को देखने को मिलती है, ग्रीन टाइप का जो है वो जो हमारे को उसको जो है देखने को मिलती है ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करके और ऑक्साइड बना लेती है। कौन सा? कॉपर कार्बोनेट बना लेती है। कॉपर कार्बोनेट जो है वो बना लेती है, जो कि कैसा होता है? ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर की जो चीजें होती हैं उसके चारों तरफ जो ग्रीन कलर की कोटिंग हमारे को एक टाइम के बाद देखने को मिल जाती है, तो वो क्या है? वो है कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर की एक लेयर जो है वो जो कॉपर के जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके ऊपर बना लेती है। अब सर ये रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन भी देख लो। यहाँ पे कॉपर है, ये H2O से यानी कि वाटर से यानी कि मॉइस्चर से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्शन कर रहा है। और ये सब की सब चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट हैं? ये एयर के अंदर ही मिल जाती हैं। तो कॉपर जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? एयर से रिएक्शन कर रहा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, O2 यानी कि ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो एयर के अंदर मिल जाती हैं ये रिएक्शन करके, और CuCO3.CuOH2 जो है वो बना लेता है, जो कि क्या है? जो कि कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है। और ये कैसे कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर के ऊपर जो जो लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, तो वो क्या होता है? वो कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉपर की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो ग्रीन कलर की एक टाइम के बाद क्यों बन जाती है, उनकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म क्यों हो जाती है? क्योंकि कॉपर जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करके और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये एक लेयर बना लेता है और ये जो हमारा कॉपर का जो बर्तन वगैरह है वो ग्रीन टाइप का जो है वो दिखने लग जाता है। अब इनको क्लीन करने के लिए हम जो लेमन और जो सोर सब्सटेंसेज जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है? इस ये जो लेयर बनी है इसको जो है वो ख़त्म कर देता है, इसको ख़त्म कर देता है। This is insoluble in water. अब हमारे पास जो ये कॉपर कार्बोनेट बना है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। अगर सोल्यूबल होता तो हम उसको जो है वो ईजिली वाटर के अंदर जो है वो डाल देते और ये उसके अंदर घुल जाता और हमारा जो बर्तन है वो साफ हो जाता, लेकिन ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, यानी कि अब ये ख़त्म होने वाला नहीं है ईजिली। पानी से अगर आप डायरेक्ट उसको धोना चाहो तो ये ऐसा नहीं हो सकता। सो कॉपर वेसल्स कैन नॉट बी क्लीन विद वाटर, इसलिए ये जनरली जैसे डायरेक्ट अगर वाटर से हम इसको धोएंगे तो ये क्लीन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड। लेमन जो होता है उसके अंदर एसिड होता है, कौन सा? सिट्रिक एसिड, याद रखना। सिट्रिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर होता है? लेमन के अंदर होता है। वाइल टार्टरिक एसिड एग्जिट्स इन टेमेरिंड, और ये टेमेरिंड होता है इमली जो होती है उसके अंदर क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। तो लेमन के अंदर तो कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है, और इमली के अंदर टेमेरिंड के अंदर क्या होता है? टार्टरिक एसिड जो होता है वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर मिलते हैं। दीज एसिड्स रिएक्ट विद बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब हमारे पास जो कॉपर कार्बोनेट जो बना है जिसकी वजह से ग्रीन लेयर जो बन चुकी है कॉपर के ऊपर, उनसे ये रिएक्शन कर लेते हैं। कौन कौन? एक तो सिट्रिक एसिड और एक टार्टरिक एसिड, जो कि इमली के अंदर और नींबू के अंदर जो है मिलते हैं, ये इनसे रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके और सॉल्ट बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। और ये सॉल्ट बना है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो अगर आप नींबू लगाने के बाद जब इनको वाटर से अब धोओगे तो अब जो है ये क्लीन हो जाएंगे।
These salts are removed from the surface of copper metal and the metal shells. अब अगर जैसे मान लो कि भाई हमारे पास ये कॉपर का कोई बर्तन था, इसके ऊपर जो है हमारे कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ गई ग्रीन कलर की. अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लेमन का जो जूस वगैरह है वो डाल दिया, वो इसके लगा दिया. इसके अंदर क्या होता है, लेमन के अंदर होता है क्या, सिट्रिक एसिड, और टर्मिनिन के अंदर होता है टार्टरिक एसिड. अब ये एसिड जो है वो इसके ऊपर जो ग्रीन लेयर बनी हुई है उससे रिएक्शन कर लेगा, और उससे रिएक्शन करके और सॉल्ट बना लेगा. और ये सॉल्ट है, अब ये क्या करता है, अब हम इसको वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है. अब जो है ये जैसे ही हम इसको लेमन लगाने के बाद अब इसको वाटर से धोएंगे, तो अब यहाँ पर जो ग्रीन जो कॉपर जो कार्बोनेट बना हुआ था वो जो है वो रिमूव हो जाता है. अगर वो रिमूव हो गया तो कॉपर की जो शाइनिंग थी जो पहले थी वो कि वो वापस आ जाती है. इस तरीके से जो है कॉपर के जो सब्सटेंसेज होते हैं, वेसल्स जो होते हैं, उनको क्लीन किया जाता है. तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और जो प्रीवियस जो स्लाइड थी उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई समझने वाली बात क्या है कि कॉपर जो है वो एयर से रिएक्शन करके, एयर के अंदर क्या क्या है, CO2 भी है, O2 भी है, H2O भी है, इनसे रिएक्शन करके और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है. कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. इसीलिए जो कॉपर के वेसल्स वगैरह होती हैं, कॉपर की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है एक टाइम के बाद जो है वो ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है. इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं लेमन, या फिर इमली वगैरह भी यूज कर सकते हैं. लेमन के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है. अब ये जो एसिड है जो लेमन के अंदर या इमली के अंदर हो रहा है ये इससे रिएक्शन कर लेता है, किससे, कॉपर कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है, और इनसे रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, एक सॉल्ट बना लेता है. यानी कि कॉपर कार्बोनेट अब किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया. अब इसको आसानी से जो है वाटर से धोकर और इसको जो है रिमूव कर सकते हैं. अब जैसे ही ये रिमूव हुआ तो ये तो इसके अंदर कन्वर्ट ही हो गया था. अब जो यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लेयर आ गई थी वो रिमूव हो गई, तो अब जो कॉपर है हमारा वो वापस से जो है वो शाइनिंग देने लग जाता है, वापस से शाइनिंग करने लग जाता है, बिल्कुल चमकने लग जाता. इस तरीके से आप जो इसका आंसर लिख सकते हैं. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए. इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा. एक आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिख देता हूँ. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 8696608541. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. अगर आपको अपनी क्लास की नोट्स वगैरह PDF वगैरह व्हाट्सएप पे भी चाहिए हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. तो उम्मीद है आपको जो है आंसर समझ में आया होगा. मैंने बिल्कुल आराम से आपको चीज़ें समझाई हैं, हो सकता है आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ हो लेकिन चीज़ें जो है बिल्कुल ईजिली समझाइए. तो आप एक चीज़ ये भी याद रखना भाई, लेमन के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, और इमली जो होती है, टेमरिन जो होती है, उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है. ये भी क्वेश्चन जो है अंदर से कई बार पूछ लिया जाता है भाई, नींबू के अंदर, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, याद रखना. और ये तो सबको पता होता है, ये जल्दी से कोई नहीं बताता. टेमरिन जो होता है उसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड. तो ये दोनों चीज़ें भी जो है याद रखना, क्योंकि जब आप लिखोगे कि भाई उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ये जो कॉपर कार्बोनेट बना है उससे रिएक्शन करके और सॉल्ट बना लेता है, और उसकी जो ग्रीन लेयर जो बनी है उसको रिमूव कर देता है, तभी तो उसकी शाइनिंग वापस आएगी. तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है. तो उम्मीद है आपको आंसर समझ में आया होगा. ओके गाइज, थैंक यू सो मच.